हेलो आई होप यू हलोज डूइंग वेल सो लेटेस्ट खबर ये है कि एनिमल का जो थिएट्रिकल ट्रेलर है वो 23 नवंबर को आने के उसका इम्कान हैं ये एक मुझे एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने मुझे इसके बारे में बताया है और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही आई थिंक रेयर सा फिननलन है आ, जो कि हम रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है और स्पेशली इस साल हमने देखा है कि बॉलीवुड में हिंदी फिल्म के जो थिएट्रिकल ट्रेलर्स हैं वो एकदम फिल्म से राइट पहले एकदम बिल्कुल रिलीज़ हो रहे हैं ये कल्चर प्राइमरली साउथ इंडियन फिल्म में देखा जाता है जबकि उनकी म्यूज़िक लॉन्च होता है करीबन हफ्ता दस दिन पहले और एक बड़ा इवेंट होता है जहां पर थियेटर ट्रेलर जो है वो सामने लाया जाता है पब्लिक के और उनके फैन क्लब्स इतने ज़्यादा होते हैं कि दैट पिक्चर वो देखने के लिए जाते हैं और वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ये बॉलीवुड में एक है कि पिक्चर रिलीज होने से पहले एक हफ्ता पहले थिएट्रिकल ट्रेलर इस तरीके से सामने आ रहा है अब मैं आपको इसको बताऊँ एडवांटेजेस क्या होंगे आई टेल यू समथिंग देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पिक्चर में एक तो क्यूरियसिटी लेवल पिक्चर का अच्छा खासा बहुत हाई है ठीक है चाहे वो उसके गानों को लेकर आप कर लें चाहे पे उसके जो टीजर्स जिस तरीके के आए हैं कपूर रणवीर कपूर का जो लुक है उसकी अगर हम बात कर लें रश्मि का मंदाना का अगर हम बात कर लें एवरी आई थिंक आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड द इंटायर बज़ इज़ फिनोमनल अनिल कपूर साहब की अगर हम बात कर लें तो जो बज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गैर गैरमामूली है कमाल का है अब क्या होता है कि अगर आप समझ लीजिए तेईस नवंबर को थिएट्रिकल ट्रेलर सामने आता है तो उसके बाद फिर आप एकदम से एकदम बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है क्यूरियोसिटी पिक्चर को लेकर अभी ऑलरेडी बोझ खलीफा पे ये लोग कमाल करके आए हैं सो द मोमेंट थिएट्रिकल ट्रेलर कम्स और फिर उसके बहुत ही जल्द एडवांस बुकिंग है वो ओपन कर दी जाती है एंड देन इट जस्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम फ्राम दिन बिग वे वी वी सीन दैट इन इन जवान इन रिसेंट टाइम्स एज वेल Um, और पिक्चर का सेंस बस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट मुझे लगता है कि दैट दिस इज़ अ मास्टर स्ट्रोक इन मोर वेज एन वन यहाँ पर मैं एक बार बात में और भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि uh, पिक्चर का नाम एनिमल है मैं एक uh, एक क़स्सा uh, आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा uh, रॉक स्टार आई थी फिल्म रणबीर कपूर की uh, इम्तियाज़ अली साहब जो डायरेक्टर थे उसके उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था पिक्चर रिलीज़ होने के बाद में तो अब रणबीर का परफॉर्मेंस बहुत पसंद किया जा रहा था खैर परफॉर्मेंस उनका था भी बहुत ही बहुत ही आई थिंक कमाल का परफॉर्मेंस था तो इम्तियाज ने एक बिग बात मुझसे कही कि दैट रणबीर जो है वो बड़ा जानवर है बड़े जानवर से उनकी मुराद ये है कि दैट ही समन हैविंग अ बिग एम्बिशन ही इज नॉट रेगुलर एक्टर जो कि सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं जिनकी जिनकी फिल्में और जो एक सर्टन एक एक फेम होता है मीडिया कवरेज है इंटरव्यूज हैं और एडवटीज़मेंट्स हैं ये उस 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 उस, उस शख्सियत की जो है वो वो उसका मकसद नहीं है बंदे के पास में ना मैनेजर है न, ना ना पब्लिसिस्ट है ही ही इज़ अ डिफरेंट ब्रीड ऑल टुगेदर कोई उनको खास दिलचस्पी नहीं है इंटरव्यूज़ देने में इंटरव्यूज़ को हमेशा वो कहते हैं कि रिलेक्टेंटली वो करते हैं कब जो, जो, जो एक जो मीडिया के उनके जो इवेंट्स होते हैं वो भी रिलेक्टेंटली वो करते हैं शायद यही रीज़न है कि वो इतना ज्यादा हैं और अपने आप में रहना पसंद करते हैं कि दैट एट टाइम्स जो जो उनके इवेंट्स होते हैं उसके अंदर उनकी बातें पकड़ ली जाती हैं फिर उसका बात का बतंगड़ बनाया जाता है इट इज सो आयरोनिकल कि दैट इंतяза ने कहा कि रणबीर बड़ा जानवर है पिक्चर आ रही है एनिमल जानवर सो आई फाइंड इट दैट दैट एंटायर पैरेलल प्रटी इंटरेस्टिंग